हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड इन योर स्टडीज आई एम योर आई टी टीचर प्रीति मलिक वेलकम यू टू माई क्लास एज यू ऑल नो दैट वी आर डूइंग फर्स्ट यूनिट इज फंक्शनल इंग्लिश एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्वेंटी इंग्लिश लास्ट सेशन विच वी हैव डिस्कस अबाउट अ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन अगर आप कहीं पे काम करते हो तो वहाँ पे आपको कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए किन किन टेक्निक्स का किन किन स्किल्स का आपको यूज़ करना चाहिए आवर टूडेज़ टॉपिक इज इंटरव्यू स्किल्स विच इज़ आवर सेशन नंबर ट्वेंटी वन एंड विच इज़ ऑल्सो द लास्ट सेशन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ये हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट सेशन है सबसे पहले जो इंटरव्यू स्किल्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आप वोकेशनल सब्जेक्ट है आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो आप व्यवसाय व्यावसायिक शिक्षा आपका भी नेक्स्ट ईयर जैसे इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको किन किन बातों को माइंड में रखना चाहिए क्या स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए ताकि आप इंटरव्यू को क्लियर कर सको जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा कुछ स्टूडेंट्स इतने हार्डवर्किंग होते हैं वो एग्ज़ाम मेरिट बेस पे क्लियर कर लेते हैं बट कुछ पॉइंट्स की वजह से वो इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है उनके अंदर इंटरव्यू स्किल्स नहीं होती पढ़ाई में तो वो अच्छे हैं पढ़ाई में भी कमी नहीं है हार्डवर्क में भी कमी नहीं है लेकिन वो स्किल नहीं है उनके अंदर जिसकी वजह से वो इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आज हम सीखेंगे हमारे अंदर क्या क्या इंटरव्यू स्किल्स होनी चाहिए ताकि हम इंटरव्यू को सक्सेसफुली क्लियर कर पाए सबसे पहले आता है वाट आर इंटरव्यू स्किल्स इंटरव्यू स्किल्स क्या होती हैं प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू अगर आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वेन यू गेट सेलेक्टेड फॉर एन इंटरव्यू यू नीड टू वास योर सेल्फ वट वॉज देयर इन योर सी वी और एप्लीकेशन फॉर्म विच इंटरेस्टेड द इम्प्लॉयर जब भी मान लो अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको अपने आप से ये पूछने की जरूरत है कि आपके सी वी में या फिर आपके एप्लीकेशन में ऐसी क्या चीज़ थी जिससे इम्प्लॉयर को आपके अंदर इंटरेस्ट हुआ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वो ऐसी क्या चीज़ थी those being interviewed probably have similar skills and achievements so you need to show that you are the right and the best match जो आपका इंटरव्यू लेने वाले पर्सन होते हैं वो आपकी स्किल से ही रिलेटेड होते हैं उनके आपसे ही रिगार्डिंग जो अचीवमेंट्स होते हैं उसी फील्ड में होते हैं इसीलिए आपको उनको ये शो करना है कि आप उनके लिए बिल्कुल राइट right और बेस्ट इम्प्लॉय एम्प्लॉय हो सकती हो या जिन चीज़ों की उनको रिक्वायरमेंट है आप उसके लिए बेस्ट मैच हो टू प्रिपेयर योर सेल्फ चेक वेबसाइट रीड द कंपनी लिटरेचर एंड फाइंड आउट एज मच एज यू कैन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है जिस भी इंटरव्यू के लिए किसी जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो सबसे पहले आपको वेबसाइट के ऊपर उस कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ लेना चाहिए उसके बाद कंपनी लिटरेचर के बारे में जितना हो सके उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता लगाना चाहिए ताकि अगर वो आपसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पूछें तो आपको पता हो नेक्स्ट वन इज रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट द कंटेंट्स ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म और सी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या सी में आपने जो जो चीज़ें मैंशन करी हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि आपने क्या मेंशन किया है अपनी सीवी में ए valuable टूल यू नीड टू प्रिपेयर इज ए स्टेटमेंट अबाउट yourself so सो यू कैन आंसर द की क्वेश्चन विच इज asked आस्ट are आर यू for फॉर दिस जॉब सबसे पहले जब आप अपना सी वी क्रिएट करते हो तो आपको एक ऐसी स्टेटमेंट एक वैल्यूएबल टूल क्या होता है आपको एक ऐसी स्टेटमेंट बतानी है आपके बारे में जो एक क्वेश्चन का आंसर दे सके ईजिली जैसे जब भी आप कहीं पर भी चाहे कभी भी किसी भी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जाओ आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों करना चाह रहे हो क्यों इंटरेस्टेड हो आप इस फील्ड में तो आपकी सीवी में उससे रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट जरूर होनी चाहिए सो प्रैक्टिस टॉकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ बाय प्रिपेयरिंग ए कैरियर स्टेटमेंट इसलिए ये आप अपने आप की प्रैक्टिस करा सकते हो प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए एक स्टेटमेंट के जरिए जैसे कैरियर स्टेटमेंट के बारे में आप प्रिपरेशन कर सकते हो कैन यू लिस्ट टू और थ्री थिंग्स यू आर गुड एट क्या आप दो या दो से ज़्यादा तीन चीज़ें ऐसी बता सकते हो जिनमें आप बहुत अच्छे हो कैन यू लिस्ट टू और थ्री स्किल्स एंड कम्बाइन दैम ऑल इंटू ए सेंटेंस और टू क्या आप दो या तीन स्किल्स को कम्बाइन कर सकते हो सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो मेक श्योर यू नो एग्जैक्टली वेयर द इंटरव्यू इज़ टेकिंग प्लेस आपको ये बात पता होनी चाहिए आपका इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्या आपके साथ हो सकता है द बिल्डिंग में हैव सेवरल फ्लोर्स सो यू नीड टू अलाउ टाइम टू गेट टू द राइट फ्लोर जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग में जाओगे फॉर एग्जाम्पल तो एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लोरस होते हैं प्लान योर रूट हाउ लॉन्ग वील टेक टू गेट दियर तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी ना कि आपको कौन सा रूट लेना है ताकि जो से फ्लोर पर आपको जाना है आप इजिली वहाँ पर पहुंच सको और आपको कितना टाइम लगेगा यू नीड टू अलाउ टाइम फॉर प्रॉब्लम विद ट्रांसपोर्ट पार्किंग वैड वैदर एक्सेट्रा इसी तरह से अगर आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको राइट right रूट का पता लगाना है आपको कौन से वे का यूज़ करना चाहिए कि आप जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आए ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पार्किंग से रिलेटेड या फिर मौसम ख़राब हो जाता है आप उन्हीं सब जितने भी डिफिकल्टीज आए आप उन्हें क्लियर करते हुए टाइम पे आप पहुंच सको ये सारी प्लानिंग आपको करनी चाहिए डू यू नो वू विल बी इंटरव्यूइंग यू क्या आपको ये पता होता है कि आपका इंटरव्यू कौन लेने वाला है दिस इज नॉट असेंशियल बट इट मे गिव यू idea अबाउट देयर फोकस ये चीज़ ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि इंटरव्यू कौन लेने वाला है लेकिन अगर आपको पता होगा तो उससे क्या होगा हमें पता लग जाएगा उस पर्सन का फोकस क्या हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आती है इंटरव्यू के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज़ होती है ड्रेसिंग अगर आप अच्छे से ड्रेसिंग करके नहीं जाते हो तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत गलत जाता है इसलिए कहते भी है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जो आपका अपीयरेंस होता है जैसे आप दिखाई देते हो वो आपके बारे में वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सी मैसेज है वो सामने वाले को दे देता है कि आप किस तरह के इंसान हो इसलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ इंटरव्यू देने जाओ तो ड्रेसिंग अच्छे से करनी चाहिए आपको यू ऑलसो नीड टू प्रिपेयर इन एडवांस वट यू आर गोइंग टू वियर आपको एडवांस में ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि आप क्या पहन के जाने वाले हो वट यू वियर डज नॉट हैव टू बी न्यू बट इट डज हैव टू बी क्लीन एंड नीट आप जो कुछ भी पहनो जरूरी नहीं है कि आप नए कपड़े खरीदो और वो पहन के जाओ इंटरव्यू के लिए दिस इज नॉट नेसेसरी लेकिन जो भी आप पहनो वो साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए ड्रेस स्मार्टली इन एन आउटफिट विच इज़ कम्फर्टेबल टू वियर एंड फिट्स वेल आपको स्मार्टली अपने माइंड का यूज़ करते हुए ड्रेस यूज करनी है ताकि आप कंफर्टेबल भी रहो और वो आपको अच्छे से फिट भी हो इट इज प्रोबेबली प्रेफरेबल टू वियर ए शूट ऑफ अ सूट ऑफ ए डार्क तीन कलर एंड मैन कोड वियर ए टाई वुमेन कैन वियर ए स्कर्ट और स्मार्ट ट्राउजर विद ए कॉर्डिनेटिंग जैकेट और ट्रेडिशनल साड़ी शलवार कमीज अगर मान लो एक पर्सन है मेन मेल पर्सन जा रहा है इंटरव्यू के लिए तो वो डार्क कलर का सूट पहन सकते हैं प्लेन कलर यूज़ करना चाहिए और उनको टाई भी यूज़ करनी चाहिए अगर फीमेल पर्सन है तो वो स्कर्ट का यूज़ कर सकती हैं स्मार्ट ट्राउजर पहन सकती हैं वो और उसके साथ जो अच्छे से मैच कर रही हो वो जैकेट यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रे, ट्रेडिशनल साड़ी या फिर सलवार कमीज का भी वो यूज़ कर सकती हैं योर शूज़ शुड बी कम्फर्टेबल एंड क्लीन जो भी जूते आप पहन के जाओ वो भी आपको के लिए कम्फर्टेबल होने चाहिए क्लीन होने चाहिए योर हेयर शुड बी नीट एंड रिमेंबर टू कीप ज्वेलरी टू ए मिनिमम आपके जो बाल है वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए और आपको याद रखना है जितना हो सके कम ज्वेलरी का आपको यूज़ करना है योर विजुअल अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू वॉन्ट टू मेक द राइट इम्प्रेशन अगर आप ये चाहते हो कि जो इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसके ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े तो आपको क्या करना है ये आप कैसे दिखाई देते हो आपका विजुअल अपीयरेंस अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है लुकिंग गुड विल ऑल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अगर आप अच्छे दिख रहे हो तो उससे क्या होगा आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद मान लो आपने ड्रेसिंग तो कर ली अपने इंटरव्यू की तैयारी भी कर ली नेक्स्ट क्या आता है टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है जो आपसे पुटअप हो सकते हैं आपसे पूछे जा सकते हैं प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर आंसरिंग सम क्वेश्चन दैट आर टिपिकल ऑफ इन एवरी इंटरव्यू आप कौन क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं यू कुड यूज सम कॉन्सेप्ट लर्न इन योर लेवल वन आप वो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हो जो आप अपने आपने अपनी नाइन्थ क्लास यानी कि लेवल वन के अंदर पढ़ा था इसके अलावा आपको आंसर्स देते टाइम क्या क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है क्या तैयारी आपको करनी चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है जब भी आप क्वेश्चन के आंसर दो आपको नेचुरल रहना है ये नहीं अगर आपसे मतलब आप कंफर्टेबली बैठे हो लेकिन एकदम से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एकदम से क्या होता है नर्वस फील करना शुरू कर जाते तो हैं सामान्य है? रहना है, है. उसके बाद मान लो आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट यूर सेल्फ वाई यू हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब एंड अप्लाइड टू दिस कंपनी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अपने बारे में बताओ आपने इस जॉब के लिए इस कंपनी के लिए अप्लाई क्यों किया है वट एविडेंस कैन यू ओफर दैट डेमोन्स्ट्रेट यू हैव द स्किल्स वी आर सीकिंग आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है जो ये शो करता है कि इस जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर हैं कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रॉब्लम यू हैव सोल्व क्या आप मुझे ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जो प्रॉब्लम आपने सोल्व की हो कभी वाई डिड यू चूज योर पर्टिकुलर डिग्री मान लो आपने बी सी किया है बी एस सी कर किया है तो आप सब पूछ सकते हैं कि आपने ये ही डिग्री क्यों की है वट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी वीकनेस क्या है वे डू यू सी यूर सेल्फ इन फाइव ईयर्स टाइम आप अपने आप को पाँच साल बाद कहाँ देखते हो क्या प्रोग्रेस कर लोगे आप पाँच साल में वो आपको बताना है वट डू यू डू इन योर लेजर टाइम आप अपने फ्री के टाइम में जब आप फ्री रहते हो कोई काम नहीं होता आपके पास उस टाइम में आप क्या करते हो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं मोस्टली इंटरव्यू के अंदर तो आपको उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है उसके बाद इंफॉर्मेशन शीट आती है इंटरव्यू टेक्निक्स दिस कोड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वेंटी मिनट ऑफ योर लाइफ ये आपकी लाइफ के ट्वेंटी मिनट्स आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ट्वेंटी मिनट्स हो सकते हैं क्योंकि इंटरव्यू पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी और अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हो तो आपको ट्राई करना है इसलिए एडवांस में आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर जानी चाहिए तो सबसे पहले दिया गया है इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में आपको किन किन टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए सबसे पहले इंटरव्यू गिव यू द चांस टू टेल समवन अबाउट योर सेल्फ योर स्ट्रेंथ योर अचीवमेंट एंड योर पर्सनल क्वालिटीज़ इंटरव्यू आपको ये चांस देता है कि आप किसी पर्सन को अपने बारे में बता सकते हो आपकी स्ट्रेंथ क्या आपके अचीवमेंट्स क्या हैं और आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं इसके अलावा मोस्टली पर्सन जब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं वो या फिर कोर्सेज के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं तो वन वे टू रिड्यूज एंगजाइटी एंड परफॉर्म बेटर एट इंटरव्यू इज़ टू गेट सम प्रैक्टिस इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है एंजाइटी से या फिर एंजाइटी को रिड्यूस करने का या फिर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस देने का कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है नेक्स्ट वन इज द दिस लेसन प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट ये जो सेशन है आपको ये अवसर दे रहा है कि आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो यू विल गेट द चांस टू बी इन द रोल ऑफ एन इंटरव्यू एंड बी एबल टू ऑब्जर्व समन एज वेल एज बींग द इंटरव्यू ये सेशन आपको एक चांस दे सकता है कि आप इंटरव्यूर भी बन सकते हो इंटरव्यू लेने वाले भी बन सकते हो और इंटरव्यू भी बन सकते हो जो इंटरव्यू देने वाले हैं आप सेम दोनों रोल प्ले करके आप सोच सकते हो कि कैसे इंटरव्यूर क्वेश्चंस पुट करता है या फिर अगर आप इंटरव्यू देने वाले हो तो आप उसके लिए भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो दिस शुड हेल्प यू टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम वैन यू वैन इट मे रियली बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वेंटी मिनट्स ऑफ योर लाइफ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप अपने फ्यूचर में अपने लिए इंटरव्यू देने जाओगे तो वो ट्वेंटी मिनट्स इंटरव्यू की आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट ट्वेंटी मिनट्स होगी ये तो अभी हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सेशन कर रहे हैं ये ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सको अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप रोल प्ले के जरिए इजीली कर सकते हो पहले आप इंटरव्यूअर बन के देख सकते हो उसके बाद इंटरव्यू दे के देख सकते हो ये थी इन्फो शीट वन विच इज़ इंटरव्यू टेक्निक्स नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन शीट टू विच इज़ इंटरव्यू टेक्निक्स जॉब स्पेसिफिकेशन जिस जॉब के लिए जा रहे हो मान लो जॉब की स्पेसिफिकेशन क्या क्या है कंपनी को एक इंथ्यूजिया यूथ पर्सन चाहिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए एक जानी मानी जिम के लिए जो कि दिल्ली में है पर्सन एबल होना चाहिए कि वो टीम के साथ अच्छे से काम कर सके उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो फ्लेक्सिबल आर्ट्स में वो काम कर सके मान लो जिम में क्या है जरूरी नहीं है उन्हें नाइन टू फाइव की जो भी मिले उनका टाइमिंग है वो भी चेंज हो सकती है तो इसलिए वो अच्छे से प्रिपेयर हों कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग में भी वो काम कर सकें अपीयरेंस में वो स्मार्ट होने चाहिए फिजिकल फिटनेस के अंदर और ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर उनका इंटरेस्ट होना चाहिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए अगर आप जानना चाहते हो उस जॉब के लिए ट्वेल्थ क्लास पास आउट होनी चाहिए ये डिज़ायरेबल है कंपल्सरी नहीं है ये क्वालिफिकेशन और इंटरव्यूअर इज़ द मैनेजर ऑफ द जिम जो उस जिम का मैनेजर है वो आपका इंटरव्यू लेने वाला है ये थी इंटरव्यू टेक्निक जॉब स्पेसिफिकेशन की जॉब की रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके बाद नेक्स्ट है शीट नंबर थ्री विच इज़ इंटरव्यू टेक्निक इंटरव्यू चेकलिस्ट आपकी चेकलिस्ट क्या क्या हो सकती है क्या क्या तैयारी आपको करनी है सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप क्या पहनने वाले हो जो भी आप पहनो दैट शुड बी क्लीन एंड टाइडी डिसाइड वाट टू वियर एंड देट शुड बी क्लीन और नीट टाइडी आपको पहले तो ये तैयारी करनी है कि आप क्या पहनने जा रहे हो और उसके बाद जो भी कपड़े आप पहनो वो साफ़ सुथरे होने चाहिए उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है कि आपकी जर्नी कितना टाइम लेगी वहाँ तक पहुँचने में आपको कंपनी के बारे में फाइंड आउट करना है आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन के बारे में आपको तैयारी करनी है उसके बाद आपको कुछ आंसर्स की भी तैयारी करनी है कि आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपके आंसर्स क्या होने चाहिए ये थी कुछ प्रिपरेशन नेक्स्ट द इंटरव्यू इंटरव्यू के अंदर क्या क्या हो सकते हैं आपको अगर आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग आपको करनी है आपको इंटरव्यू स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच जाना है जो भी वहाँ पे सेक्रेटरी है या रिसेप्शनिस्ट है जब वो आपको ग्रीट करता है गुड मॉर्निंग बोलता है तो आपको उनके साथ फ्रेंडली रहना है चेयरफुल रहना है आपको नीट और क्लीन दिखना है आपको शेक हैंड्स कैसे करते हैं उसकी तैयारी पहले से कर लेनी है आपको तब तक चेयर चेयर पे नहीं बैठना है जब तक कि आपको बैठने के लिए ना कहा जाए उसके बाद अपने आप को रिलैक्स रखना है जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं आपको केयरफुली उनको अच्छे से सुनना है जब भी वो पर्सन क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है तो आपको उस पर्सन की तरफ देखना है जैसे कुछ पर्सन होते हैं ना अगर कोई उनसे बात कर रहा है तो भी उनका ध्यान कहाँ रहता है इधर उधर रहता है वो सामने वाले के सामने नहीं देखते हैं जो जिनसे वो बात कर रहे हैं तो उससे क्या होता है बहुत गलत जाता है तो जो भी उस, क्वेश्चन उस से, से सोचना स्ट्रॉन्ग वॉइस का यूज करते हुए ये नहीं कि आप बहुत स्लो वॉइस में बोल रहे हो जिससे क्या होता है नर्वसनेस फील होती है फिर आपको इसलिए आपको क्लियरली बोलना है और स्ट्रॉन्ग वॉइस के अंदर बोलना है आपको इंटरेस्ट और इंथ्यूजिया उनको शो करना है और ऑनेस्ट रहना है जब भी आप उनको आंसर करो क्वेश्चन इंटरव्यू में उसके बाद आती है इन्फो शीट नंबर फोर विच इज़ इंटरव्यू टेक्निक इंटरव्यू चेकलिस्ट कंटिन्यू क्वेश्चंस आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं जैसे टेल मी अबाउट योर आप मुझे अपने बारे में बताइए वाई डू यू वांट द जॉब आप ये जॉब क्यों चाहते हैं वट मेक्स यू थिंक यू वुड बी गुड एट द जॉब आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जॉब के लिए अच्छे हो वट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम आप अपने स्पेयर टाइम में फ्री टाइम में आप क्या करते हो वट क्वालिटीज डू यू थिंक यू हैव टू ऑफर आपको क्या लगता है आपके आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप हमें ऑफर कर सकते हैं हाउ डिड यू लाइक स्कूल आपको स्कूल कैसा लगता है वट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बाद क्वेश्चन विच यू मे आस्क अगर जो इंटरव्यू लेने वाला है आपसे मान लो आपका इंटरव्यू खत्म होने वाला है तब वो आपको ये जरूर बोलेंगे कि क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू द डिटेल्स ऑफ द जॉब विल प्रोबेबली बी एक्सप्लेन टू यू जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपको क्लियरली जॉब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है बट देयर मे बी गैप्स एंड यू मे विश टू आस्क ओन यंस लेकिन वहाँ पे कुछ गैप हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन अगर रह जाती है आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो वेट अनटिल द एंड ऑफ द इंटरव्यू टू आस्ट क्वेश्चन एंड डोंट आस्कू मैनी आपको वेट करना है जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है तभी आपको क्वेश्चन करने चाहिए और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए वट आर द नॉर्मल आवर्स ऑफ वर्क काम के नॉर्मल घंटे क्या हैं जॉब टाइमिंग क्या है ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो वट ट्रेनिंग विल आई गेट मुझे किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी आर देर ऑपरचुनिटीज़ फॉर प्रमोशन क्या यहाँ पर प्रमोशन के चांसेज़ हैं ऑपरचुनिटीज़ हैं वो विल आई बी वर्किंग विद मैं किन के साथ काम करने वाला हूँ वो विल आई बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू मैं किन को डायरेक्टली काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो उसके बाद वट विल द इम्प्लॉयर नीड टू नो जो एम्प्लॉयर है जिसके पास आप जॉब करने जा रहे हो उनको किन किन चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जो आप उनको ऑफर कर रहे हो आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है आपकी हेल्थ का स्टैंडर्ड क्या है मान लो आप अगर हेल्दी नहीं हो तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप अपने हेल्थ स्टैंडर्ड्स उनको एक्सप्लेन कर सकते हो आप किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो और काम करने के लिए विलिंग हो या नहीं आ, क्या आपके अंदर वो स्किल्स वो एबिलिटीज पर्सनल क्वालिटीज़ है जॉब के लिए वो आप उनको बता सकते हो आप उनको बता सकते हो कि कंपनी को आप कैसे आगे लेके जा सकते हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इंप्लॉयर को जानने की ज़रूरत है जो आप उनको शो ऑफ कर सकते हो उनको बता सकते हो नेक्स्ट है इन्फो शीट फाइव विच इज़ ऑन इंटरव्यू टेक्निक्स इंटरव्यू और चेक उसके बाद आता है जैसे लास्ट जो दो शीट्स हमने की हैं थ्री और फोर उसमें क्या था इंटरव्यू चेकलिस्ट जो पर्सन इंटरव्यू देने वाला है उसके बारे में बताया गया था अब है इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके बारे में जैसे व्हाट आर द क्राइटेरिया द इंटरव्यूअर वुड यूज़ इन द सिलेक्शन प्रोसेस जो इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है किस किस बेसिस पे वो किसी भी पर्सन को जॉब के लिए सिलेक्ट करता है सबसे पहले वो क्वालिफिकेशंस देखता है उनका एक्सपीरियंस देखता है हेल्थ कैसी है ये देखते हैं होम कैसा है उनका होम सर्कमस्टेंसेज कैसे हैं जैसे जहाँ पे उन वो काम करने के लिए किसी पर्सन को सेलेक्ट करने वाले हैं वहाँ से उनका घर कितनी दूर है क्या क्या स्किल्स या एबिलिटीज़ हैं जिनका वो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं पर्सनैलिटी कैसी है उनकी इंटरेस्ट और क्या वो विलिंगनेस है या नहीं उनके अंदर उनको कंपनी की नॉलेज है या नहीं और जो क्वेश्चंस उन्होंने कैंडिडेट से पूछे उनके उन्होंने कैसे आंसर्स दिए या वो क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चंस कैंडिडेट से पूछ सकते हैं ये होता है इंटरव्यूअर की तरफ से वो किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट आता है वट वुड यू टेल द इंटरव्यू उसके बाद जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू देने वाले को जो जॉब कर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनको क्या क्या चीजें उनको बतानी चाहिए जैसे जो इंटरव्यूअर होता है वो बता सकता है कि वट दे वुड बी एक्सपेक्टेड टू डू वो दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है उन्हें आपसे क्या उम्मीदें हैं और आप किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहोगे आपकी सैलरी कितनी है आपके आर्ट्स कितने हैं आपको हॉलीडेज कितने मिलेंगे और लंच का अरेंजमेंट है या नहीं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ आपको ट्रेनिंग ऑफर की जाएगी या नहीं वो आपको बताएंगे आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टर्स के बारे में वो आपको बताएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या वैल्यूज़ हैं इसके बारे में इंटरव्यूअर आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट है एक्टिविटी शीट वन इंटरव्यू टेक्निक्स इसमें क्या है इंटरव्यू के गुड पॉइंट्स क्या है बैड पॉइंट्स क्या है मान लो आप इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यूअर ने आपका इंटरव्यू लिया तो वो आपके पॉइंट्स हैं जो वो उनको नोट भी करते हैं ताकि वो आपको सेलेक्ट करे या नहीं ऐसा तो नहीं है जो इंटरव्यूर होता है इंटरव्यू लेने वाला वो एक ही पर्सन का इंटरव्यू लेने वाला है उसके बाद तो पास तो बहुत सारे पर्सन जाएंगे ना जो इंटरव्यू देंगे तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे उन्हें सबका थोड़ा ना याद रहेगा वो शीट तैयार करते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू दे के गया है उसके अंदर क्या क्या, क्या अच्छे पॉइंट्स थे गुड पॉइंट्स थे क्या बैड पॉइंट्स थे जैसे हाउ इज द इंटरव्यू सिटिंग इंटरव्यू था जो था जो इंटरव्यू देने आया था उनका बैठने का तरीका कैसा था उसके लिए वो उनको गुड पॉइंट देंगे या बैड पॉइंट देंगे उन्होंने क्या इंप्रेशन उनको शो किया कैसा इंप्रेशन गया वो लिखेंगे आपके बारे में इज़ द इंटरव्यू प्रिपेयर जो इंटरव्यू दे के गए जैसे आप इंटरव्यू देने गए हो तो आप उसके लिए तैयारी करके आए थे या नहीं वो नोटिस करेंगे ये चीज़ उसके बाद इज़ द इंटरव्यू लुकिंग एट द इंटरव्यू क्या इंटरव्यू देने वाला जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी तरफ देख रहा था आर द आंसर्स क्लियर जितने भी आंसर्स उन्होंने दिए क्या वो क्लियर थे वट इम्प्रेशन डज द इंटरव्यू गिव कॉन्फिडेंट और नर्वस जो इंटरव्यू था उसने कैसा इंप्रेशन दिया हमें वो कॉन्फिडेंट था या फिर वो नर्वस था डज द इंटरव्यू शो इंटरेस्ट एंड इंथूज़ियाजम क्या जो इंटरव्यू था उन्होंने इंटरेस्ट और अपना इंथूज़ियाजम उत्साहपन उन्होंने शो किया या नहीं आर द क्वेश्चन ईजी और डिफ़िकल्ट क्या जो क्वेश्चन हमने पुट किए वो ईजी थे या डिफ़िकल्ट थे वर दे रेलीवेंट क्या वो रेलिवेंट थे जो आपसे रिगार्डिंग डिड द इंटरव्यू आज क्वेश्चन क्या इंटरव्यू ने हमसे क्वेश्चन पूछे और उसके अलावा ओवरऑल जो इंटरव्यू देखे गया है उसके बारे में वो अदर कमेंट्स लिख सकते हैं ताकि वो उसके बेसिस पे सेलेक्ट कर सके तो ये कुछ एक्टिविटी शीट होती है जो इंटरव्यू के बाद प्रिपेयर की जाती है नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी शीट टू इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं हैविंग टेकन पार्ट एज एन ऑब्जर्वर इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू इन टूडे सेशन लिस्ट द स्किल्स पर्सनल क्वालिटीज और प्रीवियस एक्सपीरियंस यू हैव हैविच वुड बी ऑफ वैल्यू टू ए पोटेंशियल इम्प्लॉयर जैसे अगर आपने एज ए ऑब्जर्वर एज ए इंटरव्यूअर या फिर एज ए इंटरव्यू आज के सेशन में पार्टिसिपेट किया है तो वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपके अंदर होना चाहिए या फिर एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर के अंदर होना चाहिए वो स्किल्स क्वालिटीज़ आपको लिखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी कंसर्न यू मे हैव अबाउट योर मैनेजमेंट ऑफ एनी इंटरव्यू सिचुएशन आपको किसी भी इंटरव्यू सिचुएशन में मैनेजमेंट को कंसर्न दिखाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स का यूज करना चाहिए वो आपको बताने हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग वोस्ट और टेकन पार्ट इन मोक इंटरव्यू लिस्ट द कॉमन वीकनेस इन एन इंटरव्यू परफॉर्मेंस जैसे अगर आपने मॉक टेस्ट मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया है जैसे आपने रोल प्ले करके देखा इंटरव्यू का तो आपको क्या क्या वीकनेस दिखाई दी इन जिनका आपने इंटरव्यू लिया उनकी परफॉर्मेंस में क्या क्या वीकनेस थी वो आपको लिखनी है हाउ कुड दीज बी ओवरकम जो जो वीकनेस थी जो कमियां थी उन्हें कैसे क्लियर किया जा सकता है कैसे उन्हें ओवरकम किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एट की फैक्टर्स इंपॉर्टेंट टू एन एम्प्लॉयर इन इंटरव्यूइंग ए पोटेंशियल इम्प्लॉयी वो कौन से इम्पोर्टेंट आर्ट फैक्टर्स हैं जो इंटरव्यू लेते टाइम एक पोटेंशियल एक अच्छे इम्प्लॉय को ढूंढने के लिए इम्प्लॉयर के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो आठ फैक्टर आपको लिखने हैं ये था हमारा लास्ट सेशन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट इस सेशन के साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है अगर फर्स्ट यूनिट uh, के किसी भी सेशन से रिलेटेड uh, आपको कोई भी डाउट है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर आज के सेशन से रिलेटेड भी कोई इशू है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं आज के सेशन आपको कैसा लगा ये कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा Okay students, have a nice day, take care.